हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी एक संख्या लीजिए, दोस्तों मैं भले ही ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आपके द्वारा सोची गई संख्या प्राकृतिक संख्या ही होगी या पूर्णांक होगी या फिर कोई भी दशमलव संख्या या भिन्न, लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि आपने एक वास्तविक संख्या ही सोची होगी। इसका अर्थ यह है कि हम जिस भी संख्या को सोच सकते हैं या हमारे मन में जो संख्याएं आती हैं वह सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि क्या संख्या रेखा पर यह बिंदु किसी संख्या को निरूपित करता है? जी हाँ, हम भले ही यह नहीं कह सकते कि यह बिंदु परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है और इस संख्या रेखा पर स्थित हर एक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.3 और 4.3 बार यह दोनों बिंदु संख्या रेखा पर एक ही स्थान दर्शाते हैं। दोस्तों बताइए कि क्या यह कथन सही है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों यह दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन 4.3 यह एक शांत दशमलव है, इसलिए 4.3 को हम पूर्णतः संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं, लेकिन 4.3 बार यह एक अशांत दशमलव है। यहां दशमलव के बाद 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 4.3 बार यह बिंदु संख्या रेखा पर 4.3 और 4.4 के बीच स्थित होगा, यानी यह दोनों संख्याएं अलग अलग स्थान को दर्शाती हैं। दिया हुआ कथन गलत है। दोस्तों इस सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।